दोस्तों विभाज्यता का एक प्रश्न है, एक ठीक ठाक प्रश्न कहा जाएगा इसको, कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को निम्न में से कौन कौन संख्याएं विभाज्य कर सकती हैं, विभाजित कर सकती हैं, यानी ये संख्या निम्न में से किन किन संख्याओं से पूर्णतया भाज्य होगी, ये एक प्रश्न है। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ये सिंगल नंबर तो है नहीं, सिंगल नंबर का जांच करने के लिए एक अलग मेथड आता है कि उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सबसे जांच करने का एक अलग मेथड होता है, लेकिन ये प्लस या माइनस करके जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बीजगणित का सहारा हम लोग लेते हैं। तो बीजगणित की मदद से कैसे इसको हल करेंगे, उसका शॉर्टकट क्या होगा, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब कुछ हम लोग इसमें सीखते हैं। रूल नंबर एक पर आते हैं। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का है कि 1 पावर n माइनस b की पावर n, यानी जो बेस है आधार है वो a और b है, यानी अलग अलग हो सकता है लेकिन घात सेम होना चाहिए, और घात सेम हो और सम संख्या में हो यानी इवन नंबर में हो, तो ये किससे कटेगा, ये a माइनस b और a प्लस बी दोनों से पूर्णतया अभाज्य होगा। ये कैसे दोनों से पूर्णतः अभाज्य होगा, ये समझने के लिए हम इसके एक फार्मूला यानी n की जगह पर हम 2 लेकर के देखते हैं कि कैसे यह a माइनस बी और a प्लस बी दोनों निकल कर आ रहा है। मान लीजिए n जो है वो 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और वो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो जिस नंबर के खंड में, गुणनखंड में दो संख्याएं आ रही हैं, प्लस में भी माइनस में भी, इसका मतलब वह संख्या जो है दी गई दोनों संख्याओं से पूर्णतः अभाज्य हो जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 10 की पावर 16 माइनस 7 की पावर 16। अब ये देखना है कि ये किसे किसे विभाज्य है। तो नीचे जो इसका बेस है 10 और 7, तो 10 माइनस 7 यानी 3 और 10 प्लस 7 यानी 17, ये दो संख्याओं से पूर्णतः अभाज्य हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कोई दिए गए एक्सप्रेशन किन किन संख्याओं से पूर्णतः अभाज्य है। आइए दोस्तों रूल नंबर 2 पर आते हैं। इसमें a की पावर n प्लस b की पावर n है, पिछले वाला माइनस में था, ये वाला प्लस में है, और पिछला वाला सम में था, इसको हम लोग विषम में ले लेते हैं। n इक्वल टू विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या यानी 1, 3, 5, 7 वगैरह कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं। इस कंडीशन में हम जानते हैं कि अगर कोई विषम संख्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 ही हम रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, तो इसका मतलब a प्लस बी से तो जरूर भाज्य होगा, ये a प्लस बी से यह संख्या जरूर भाज्य होगा, और यही इसका नियम है। यानी अगर n एक विषम संख्या होगा, यानी अगर हम 1 रखते हैं या 3 रखते हैं तो विषम होगा, तो सीधे सीधे वो जो है वो a प्लस बी से भाज्य हो जाएगा। एक अगर हम इसका फार्मूला देखना चाहें, बीजगणित में a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला भी है, तो उससे भी हम चाहें तो इसको जो है समझ सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। तो चूँकि a प्लस b से खंड में है इसलिए a प्लस b से पूर्णतः भाज्य होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 10 की पावर 17 प्लस 5 की पावर 17, यहाँ पर 17 जो है विषम संख्या है, तो ये संख्या जो होगी 10 प्लस 5 यानी 15 पूर्णतः भाज्य होगी, और 10 प्लस 5 15 यानी 15 का जो खंड है 3, 5 इससे भी भाज्य होगी, यानी 3, 5 और 15 तीनों से पूर्णतः भाज्य होगी ये संख्या। रूल नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। रूल नंबर 3 में a की पावर n माइनस b की पावर n माइनस वाला ही लेते हैं। माइनस में चूँकि हम लोग एक बार सम लिए थे, रूल नंबर 1 में सम लिए थे, यहाँ पर विषम लेना था, छूट गया था, इसलिए यहाँ पर n एक विषम संख्या होगी, और जब विषम होगी तो a माइनस b से पूर्णतः अभाज्य हो जाएगी। विषम की जगह पर मान लीजिए 1 रख दीजिए आप, यानी जब 1 रख देंगे तो विषम a माइनस b ही बचेगा जिससे पूर्णतः अभाज्य होगी। अगर अलजेब्रा में देखें तो a क्यूब माइनस b क्यूब का अगर हम फार्मूला रख देखें तो उसमें a माइनस b आता है, a माइनस b से यह संख्या पूरी तरह से भाज्य होगी, जो कि हम लोग पीछे सीख भी चुके हैं। एक एग्जांपल ले लिया जाए, 9 की पावर 23 माइनस 6 की पावर 23, तो 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, 3 से पूर्णतः भाज्य होगी ये संख्या। तो इस तरह से 3 नियम में पूरी तरह से ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन लिखा होता है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, इसमें घात बराबर नहीं है, जबकि हम लोगों ने अभी 3 नियम देखे हैं, तीनों नियम में घात बराबर था। तो सबसे पहले घात बराबर करेंगे, तो 41 और 82 है, 41 दोनों 82 होता है,
तो वहाँ पर 82 को तोड़ देंगे 2×41 में, और 2 जो कि 7 के स्क्वायर के साथ, 7 के स्क्वायर तरह ट्रीट हो जाएगा वहाँ पर, इसलिए 49 की पावर 41 जाएगा। घात विषम है, रूल नंबर 2 यहाँ पर काम करेगा। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू a प्लस b से पूर्णतः भाज्य होगा अगर घात विषम है तो। तो ए प्लस बी यानी 3 प्लस 49 = 52 से यह संख्या पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। तो 52 से जो संख्या कटेगी वो 52 के खंडों से भी कटेगी, 52 के गुणनखंड से, 52 के जो गुणनखंड है यानी 52 किसे किसे कट रहा है, 52 जो कट रहा है वो 1 से कट रहा है, 2 से कटेगा, 52 से खुद कटेगा, फिर ये कट जाएगा 26 से, 13 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, यानी इन सब संख्याओं से भी 52 कट रहा है, इसलिए इन सब संख्याओं से भी दी गई संख्या कटेगी, 3 की पावर 41 और 7 की पावर 82, इन सब संख्याओं से भी पूर्णतः भाज्य होगी। अतः सही उत्तर 4, 13 और 26 यानी 3-3 आंसर हमारा सही होगा। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, आप भी सीखिए, अन्य लोगों को भी सीखने के लिए प्रेरित करिए।